हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है गोंद के लड्डू की रेसिपी। चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर रख दी कढ़ाई। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 कप घी। चम्मच से देखिए तो 3 से 4 चम्मच यहाँ पर मैंने घी डाला। घी मेल्ट होने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी गोंद। तो यहाँ पर मैंने डाला 1 चम्मच गोंद। गोंद को भूनते समय इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जब हम गोंद भुने तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे भुने, हाई फ्लेम पे ना भुने। तो इसको 3 से 4 मिनट लगते हैं। जब तक ये अच्छे से फूल नहीं जाते और हल्के गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हमें इनको भुनना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे जो गोंद है भुन गए। जब आप इसको दबाएंगे, मतलब जब इसको तोड़ेंगे गरम गरम में ये दबते हैं और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाते हैं तो ईजिली टूटने भी लगते हैं। तो मैं आप एक बार निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने निकाल लिया तो ये हल्का गरम है तो ये यहाँ पे टूट नहीं रहा है और जब ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके से टूटने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने डाला 1 चम्मच गोंद। तो गोंद आप बहुत सारा मत डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा और उसको अच्छे से बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल धीमी आंच पे अच्छे से भुनिएगा कि वो अंदर तक सिक जाए और वो जब आप उनके लड्डू बनाएं तो वो दांतों में जाके ना चिपके। तो यहाँ पे मैंने सारे गोंद को भुन लिया है, अच्छे से फूल चुके हैं, दिखने में मोतियों की तरह दिख रहे हैं। तो मैं इसको रख देती हूँ साइड में ठंडा होने के लिए, तब तक हम अपना ड्राई फ्रूट भुन लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला 1 कप काजू। काजुओं को भी हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे या जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। इसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भुनेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। इससे जो हमारे काजू होंगे अंदर तक सिक जाएंगे और वो अच्छे से अच्छा टेस्ट देते हैं, क्योंकि हमें गोंद के लड्डुओं को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए हमें इन सभी चीज़ को अच्छे से भुनना होता है। तो यहाँ पे मेरे जो काजू हैं अच्छे से भुन चुके हैं। जब तक कि मैं इसको निकाल रही हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मेरे जो काजू निकल चुके हैं इसको रख दिया मैंने साइड में। यहाँ पर मैंने डाला 1 कप बादाम। जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैं उसका डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे या जब तक इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू नहीं होती तब तक ही हम इसको भुनेंगे। तो यहाँ पे मेरे जो बादाम है वो भी भुन चुके हैं। इसको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे साइड में। तो यहाँ पे मैंने बादाम निकाल लिए हैं। सेम कढ़ाई में हम यहाँ पे डाल दिए अखरोट। तो यहाँ पे भी हम इसको 2 से 3 मिनट ही भुनेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं भुनेंगे। जब तक ये अच्छे से ये भुन नहीं जाते, हल्के गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने 4 ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया है, काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश का। आप यहाँ पर वाटरमेलन सीड्स या पम्पकिन सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मेरे अखरोट भुन चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाला किशमिश को। किशमिश को भी मैं मूल लूँगी, जैसे ये फूलना स्टार्ट होंगे किशमिश वैसे ही मैं इसको निकालना भी शुरू कर दूँगी। तो हमें किशमिश को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। अगर हमने बहुत ज़्यादा भुना किशमिश को तो वो जलने लग जाता है अंदर से और जब हम उसको खाते तो बहुत ही बेकार टेस्ट देता है। तो जैसे ये फूलना शुरू होंगे वैसे ही मैं इसको निकालना भी शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये फूल रहे हैं मैं वैसे ही निकालना शुरू कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने किशमिश को भी निकाल लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 1/4 कप घी। इसके बाद डाला 1/4 कप बेसन। तो बेसन को भी हम इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे जब तक इसके अंदर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती और ये हल्का ब्राउन होना शुरू नहीं होता तब तक हम इसको भून लेंगे। इसको भी भुनने में 2 से 3 मिनट लगते हैं मीडियम फ्लेम पर। जब ये अच्छे से भुन जाएगा इसके बाद हम डालेंगे इसमें आटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हल्का ब्राउन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला आटा। तो आटा मैंने यहाँ पे 3 बार डाला है, मतलब एक बार ही सारा आटा नहीं डाला है, 3 बैचेस में आटा। तो टोटली मुझे 3 कप आटा भुनने में 15 से 20 मिनट लगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप इन आटे को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। आप फ्लेम को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप इसको हाई फ्लेम पे आटे को नहीं भुनिएगा। अगर आपने आटे को हाई फ्लेम पे भुना तो आटा बहुत जल्दी जलने लगता है, उससे जो आपका आटा होगा बहुत अच्छे से भुन नहीं पाएगा। आप आटे को मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनिएगा। इसको भुनने में कम से कम 10 से 15 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी फ्लेम पर, आपकी फ्लेम गैस की फ्लेम कैसी है।
तो यहाँ पे हमें डार्क ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना है, हमने हल्का सा डार्क करना है, क्योंकि हम इसके अंदर चीनी या भूरा मिलाएंगे तो ये हल्का सा लाइट हो जाता है, इसलिए हम इसको हल्का डार्क ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी और ऐड किया है, तो बीच बीच में मैं यहाँ पे घी ऐड करूँगी जितना मेरे को ज़रूरत होगी। जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे मैं घी की इस्तेमाल करूँगी, मैं उसका सारा डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइट ब्राउन हो चुका है, इसके बाद हल्का ब्राउन और करेंगे हम इसको। तो इतना आटा मेरे को भुनने में अभी मेरे को 12 से 13 मिनट हो गए, तो हल्का सा ब्राउन हम इसको और करेंगे। जब तक कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हल्का ब्राउन और हो चुका है, तो ये डार्क से हल्का ब्राउन हो चुका है। तो इस टाइम मैंने जो फ्लेम है उसको ऑफ कर दी है और यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी ये जो कढ़ाई है बहुत गर्म है, तो हम इसको छोड़ देंगे तो नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद इसको हल्का ठंडा करने के लिए हम साइड में रख देंगे, जब तक हम अपने सारे ड्राई फ्रूट को भी काट लेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, इसके बाद चलते हैं हम अपनी गोंद की तरफ। तो गोंद को भी हमें क्रश करना है, तो यहाँ पर मेरे जो गोंद है वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं गिलास की सहायता से इसको मैं क्रश करूँगी, आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, जार के अंदर डाल के इसको हल्का सा चर्न कर लीजिए तो ये ईजिली ग्राइंड हो जाता है, पर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्राई करने के बाद जब हम इसको घी में अच्छे से भूनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो ईज़िली ग्लास या कटोरी की सहायता से आप इसको क्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से क्रश कर दूँगी, ये पाउडर फॉर्म में कर दूँगी, क्योंकि जब ये गोंद अगर ये साबुत हो जाते हैं तो जब हम इसका लड्डू बनाते हैं तो दांतों में जाके चिपक जाते हैं। तो इस तरीके का पाउडर की फॉर्म में हो चुका है, इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा आटा है वो अच्छे से भुन चुका है और ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी गोंद जो हमने क्रश करके रखा था, तो यहाँ पे हम एक साथ डाल देंगे। जब तक कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है गोंद, इसके बाद यहाँ पर मैं सारे ड्राई फ्रूट मिलाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने डाला अखरोट, अखरोट को मैंने बहुत छोटा छोटा चॉप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है बादाम, इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है काजू, काजू को भी मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है किशमिश, किशमिश बहुत बड़े बड़े थे तो यहाँ पे मैंने बहुत छोटा छोटा इसको काट दिया। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक कि मैं मिक्स कर रही हूँ, तब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इन सभी ड्राई फ्रूट को मिक्सी के अंदर पीस सकते हैं, हल्का सा पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने नहीं किया। यहाँ पे मैंने हल्का सा खलबत्ते के अंदर या हमाम दस्ते के अंदर डाल के इसको कूट लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, ये ड्राई जिंजर पाउडर होता है, इजिली मार्केट में मिल जाता है, आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाइएगा, आप उनको बोलिएगा मेरे को सौंठ का पाउडर दे दीजिए, वो आपको पाउडर दे देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिसी हुई चीनी 1 कप, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भूरे का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि भूरा लोगों को नहीं मिल पाता, तो आप चीनी को मिक्सी जार के अंदर पीस लीजिएगा, इजीली पीस जाता है। यहाँ पे मैं छान के इसलिए डाल रही हूँ, जो भी चीनी जो पिसी हुई नहीं है वो इसके अंदर रह जाएगी छन्नी के अंदर, देखिए इस तरीके से। तो इसको हम रख देंगे साइड में। इसके बाद इस चीनी और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि अच्छे से मिक्स हो जाए सब तरीके से। आप यहाँ पे चीनी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितना आपको आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 कप चीनी का पाउडर डाला है, मैंने चीनी को मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर हमें अच्छे से हाथों से अच्छे से मिक्स करना है कि चीनी जो है हर जगह अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्का सा लाइट हो चुका है, तो इसीलिए हमने आटे को हल्का ब्राउन करना होता है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद चलते हैं इसके लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप अपने साइज़ के लड्डू बना सकते हैं, जितना आपको छोटा बड़ा चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का लड्डू बना रही हूँ। तो इस तरीके से हमें एक हथेली से अच्छे से गोल करना है और दूसरे हाथ से हम इसकी शेप देने। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा पहला जो लड्डू है वो बन के तैयार हो चुका है। तो इसको हम रख देते हैं प्लेट में। इसी तरीके से हम दूसरा लड्डू भी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने लेना है थोड़ा सा आटा,
जो हमने भुना था यहाँ पे इस तरीके से, और इसको हथेलियों से हमें दबाना, उंगली से इस तरीके से शेप देनी है कि बहुत ही अच्छे से ये शेप में आ जाए। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, बाद में आपको हल्का हल्का से इसको राउंड करना है। तो यहाँ पे मेरा जो दूसरा लड्डू है वो भी बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईजली बन चुका है ये लड्डू। ये गोंद के लड्डू बनाने में बहुत ही आसान होता है, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे से बन जाता है लड्डू। तो आपके यहाँ कैसा लड्डू बनता है गोंद का, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं तीसरा लड्डू बना रही हूँ। तो इस तरीके से हमें एक हथेली से दबाते हुए दूसरी उंगली से हमें इसको शेप देना होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा तीसरा लड्डू भी बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चौथा लड्डू बना के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपने हथेलियों से दबाना, उंगली से आपको शेप देनी है एकदम हल्के हाथों से कि अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे मैंने चार लड्डू बना लिए हैं। इसी तरीके से हम बाकी सभी लड्डुओं को भी बना के तैयार करते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और ये दिखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो आप भी इस सर्दी इन गोंद के लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये गोंद के लड्डू कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही कम मेहनत में इतने सारे लड्डू आप घर पे बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, सिर्फ इसके आटे को भुनने में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी किसी भी चीज़ में इसको टाइम नहीं लगता है बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 कप आटे से कितने लड्डू बनाए तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे लड्डू बनाए हैं तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए ये अंदर से कितना नरम है, जब आप इसको जब ये और ठंडा हो जाता है तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।